गुड मॉर्निंग। सो अभी थोड़ी देर पहले तक मैं कल का वीडियो शूट कर रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नया वीडियो भी शूट कर लेते हैं क्योंकि मुझको उसका आइडिया आ गया था। तो आज का ये वीडियो है ऑब्वियसली बाइक के ऊपर ही है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया। अपने ऊपर बनाऊंगा तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे, तो बाइक के ऊपर बना रहा हूँ। तो देखो जिन बाइक्स में, ये तो होंडा हॉर्नेट 160 है, यहाँ पे हेडलाइट के नीचे नंबर प्लेट लग के आती है, उसको हेड पे कैसे माउंट करना है, आज का वीडियो इसी के बारे में है। और इसकी नंबर प्लेट मैंने निकाल दी है, यहाँ पे हेड पे मैं लगाऊंगा। मुझको थोड़े से लंबे जो नट चाहिए थे नट बोल्ट, तो वो मैं लेकर आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पीछे ग्राउंड में आ गया हूँ मैं और वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि रोड पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, साउंड रहता है। और कैमरा और माइक नहीं लेकर आया हूँ, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और हाँ, ये जो है ये मेरा ऐप है न्यूज़पुर लाइव, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिए और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिए। तो अभी मैं घर जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको घर में बिना एक रुपया खर्च करे आपको अपना जो नंबर प्लेट है यहाँ पे कैसे माउंट करना है, कैसे उसके क्लैंप जो भी फिटिंग्स है वो कैसे तैयार करनी है, घर चल के बताते हैं। तो अपना काम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लायर और चाहिए एक हैमर और ऐसा एक वायर जो काफी ज्यादा स्टर्डी हो, मतलब ये काफी ज्यादा मजबूत है, ये एल्यूमिनियम या आयरन का है मुझे पता नहीं। ऐसा वायर आपको कहाँ पे मिलेगा? देखो सबसे पहले तो अगर आपके घर में है, आपको पता है, तो कोई बात ही नहीं। जिसके घर में नहीं है तो अपने घर की अलमारी खोलो, पुराने टाइम के जो हैंगर वगैरह होते वो इसी वायर के होते थे, जो सबसे ज्यादा मजबूत हैंगर लगे उसको आप ले लो और इसमें कुछ इतने इतने दो पीसेस काट लो सीधा करके, यहाँ पे तो टेढ़ा है, सीधे सीधे दो पीसेस काट लो, लगभग इतने होने चाहिए आई थिंक। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से काट लो, जहाँ पे आपका जो विंडशील्ड है वहाँ पे कैसा उसका शेप है उसके हिसाब से काट लो। और उसके बाद उसको काटने के लिए क्या करना है, वायर को प्लायर में यहाँ पे पीछे आपको पता काटने के लिए बना होता है, मजबूत वायर है, इसे दबाने से तो नहीं कटेगा, इस पे वायर को यहाँ पे फंसा के और ईंट पे रख के ऊपर से हैमर मारो दो तीन तो टूट जाएगा वो। दो पीसेस को काट के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस डिजाइन पे आपको मोड़ना है, मतलब ये डिजाइन तो मेरी बाइक के लिए है। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहाँ पे नट लग जाएगा और यहाँ पे मैं इसके लिए क्लिप लगाऊंगा क्योंकि मेरी बाइक में जो नंबर प्लेट है वो क्लिप्स के थ्रू ही लगी थी, तो मेरे को ये क्लिप मिल गई है इसी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके किसी भी दुकान से एक दो रुपए में दो क्लिप ले लीजिए ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे फंसा के इसमें नंबर प्लेट लग जाएगी। इसको मैं ऐसे अपने वाइजर पे लगा दूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे अगर वाइजर होगा तो ये ऐसे रहेगा और इसके ऊपर से नंबर प्लेट लग जाएगी। दोनों को ऐसे मैं दो बनाने हैं, दो आप भी बना लेना, अपने हिसाब से बना लेना जैसा आपको चाहिए, ये तो आप कोई भी बना सकता है और ये क्लिप आप बाहर से ले सकते हैं। तो चलते हैं, अब मैं आपको इसकी बता देता हूँ फिटिंग कैसे करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो दोनों का शेप है, जो दोनों की लंबाई है, वो हर जगह एकदम सही होनी चाहिए ताकि आपकी दोनों तरफ से जो नंबर प्लेट है उसकी फिटिंग सही रहे, नंबर प्लेट में एक्स्ट्रा छेद ना करने पड़े। और उसकी लंबाई भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि नंबर प्लेट में कितनी दूर छेद है और वाइजर में कहाँ पे लगाने का जुगाड़ है। तो इसके बाद चलते हैं हम नीचे। तो ये जो क्लैंप हम लोगों ने बनाया काफी ज्यादा स्टर्डी है, इस पे हम लोग ऐसे लगा देंगे और नीचे जो छेद है वाइजर से उस पे एक नट लगा देंगे। ये जो क्लिप दिख रही है इसमें हम लोग नंबर प्लेट सेट करेंगे, उसके पहले हम लोग ये वाला भी जो नट है इसको हटा देते हैं। ये हमारा ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो पहले अपना काम शुरू करते हैं। तो नंबर प्लेट यहाँ पे फिक्स हो गई है और सबसे ज्यादा जो टाइम लगा वो इन लाइट्स में लगा है। लाइट्स पहले यहाँ पे लेग गार्ड में लगी थी लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे लगाया है, पत्ती के बिना लग नहीं रहे थे क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। तो ये पत्ती मैंने जो स्टील की यहाँ पे लगाई है इस पे मैंने फिर इसको लगाया, इस पे काफी ज्यादा मतलब जुगाड़ करना पड़ा बट लग गई एकदम फिक्स है। जुगाड़ का मतलब ऐसा काम चलाऊ वाला जुगाड़ नहीं, काफी अच्छा है। और रात को इनका जो फोकस है वो भी सेट कर लेंगे। और जो नंबर प्लेट मैं आपको रियर कैमरे से दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसी दिखती है। ये नंबर प्लेट तिरछी नहीं लगी, आपको शायद तिरछी लग रही होगी क्योंकि इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है वो तिरछा है, इस वजह से नंबर प्लेट थोड़ी तिरछी लग रही है। बाकी इसको जिधर भी चाहो ये घूम भी सकती है, चाहे ऊपर नीचे या इधर उधर किधर भी घूम सकती है। पीछे से ये दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा है यार, मतलब एकदम जुगाड़ जरूर है बट काम चलाऊ नहीं है, मतलब इसको आप लेके कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो लाइट्स हैं इनके फोकस रात को सेट करेंगे और
उसके बाद ये देखेंगे कि ये जगह ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखने में भी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। बाय द वे इन लाइट्स पे मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो उसको और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।